अब जब चंपा सोरेन बीजेपी में जा रहा है तो निश्चित रूप से पोलान का 14 सीट में कमल खिलना निश्चित है। हम लोग तो चंपा सोरेन का राजनीति पाठशाला में हम लोग पढ़े हैं। जब वो 5 महीने का मुख्यमंत्री था तो निश्चित रूप से दुमका संताल परगना क्षेत्र का भी दौरा किया था और वहाँ सबका जितना भी उनको रिपोर्ट मिला और उन सबसे भी उनको पता चला है कि निश्चित रूप से ये गलत हो रहा है। हमारे साथ सोनाराम बोदरा हैं, जिला परिषद हैं और अभी कुछ ही देर पहले वो जेएमएम से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता लेने के लिए रांची आए हैं। आपको जानकारी है कि आज रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन भाजपा में शामिल होंगे। दादा, चंपा सोरेन भी भाजपा जा रहे हैं, आप उस इलाके के बड़े नेता हैं, आप भाजपा जा रहे हैं, तो क्या कोलाहल में अब कमल खिलेगा? देखिए, अब कोलान का झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम ही चंपा सोरेन था। अब जब चंपा सोरेन बीजेपी में जा रहा है तो निश्चित रूप से कोलान का 14 सीट में कमल खिलना निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इनके प्रति हमेशा से ही सभी समुदाय के लोग का एक श्रद्धा है, माननीय पूर्व मंत्री हमारे जो चंपा सोरेन जी के, इसीलिए इसमें कोई शक नहीं है कि कोलान में कमल नहीं खिलेगा और इस बार 14 के 14 सीट में आपका कमल खिलेगा। आप लोग क्यों नाराज हैं? चंपा सोरेन की नाराजगी तो समझ में आती है कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और बाकी जो वो लिख रहे हैं, आपकी नाराजगी किस बात? मेरी नाराजगी ये है कि भाई हमारा राजनीति गुरु है और हम सबका वो अभिभावक है। हम लोग गुरु जी को तो जानते हैं लेकिन हम लोग तो चंपा सोरेन का राजनीति पाठशाला में हम लोग पढ़े हैं, तो इसीलिए जब हमारा अभिभावक का अपमान होता है, उनका दिल से उतना आहत होते हैं, तो निश्चित रूप से कोलान का सभी कार्यकर्ता उससे दुखी है, आहत हुआ है, इसीलिए हम लोग भी उनके साथ हैं। वो उसका जैसे निर्णय है, हम लोग भी उसमें सर्वसम्मति हम लोग का भी निर्णय है। जैसे जेएमएम में आप लोग काम किए हैं, पूरे कोलान को जेएमएम में किया है, क्या भाजपा में रहकर कमल वैसे ही खिलाएं? बिल्कुल ही ऐसा ही होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जैसे जेएमएम पार्टी को हम लोग संगठन इतना मजबूत बना के रखे थे, अब बीजेपी में आने से हमारा जितना भी कार्यकर्ता पूरी तन मन धन के साथ आज चंपा सोरेन के नेतृत्व में, और जो हमारे अभिभावक जी, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के प्रति एक विश्वास जता के अपना जो निर्णय लिया है कि इसे झारखंड प्रदेश को विकसित श्रेणी में लाना है, तो इसीलिए निश्चित रूप से हमारा कोलान में पूरे संगठन मजबूत होगा सभी 14 विधानसभा सीट में। अच्छा, दादा ने एक बात कही कि बांग्लादेशी घुसपैठिया आदिवासियों की जमीन लूट रहे हैं और आदिवासियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि सही में ये मामला है या भाजपा में जाने के बाद शुरू है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, जब वो 5 महीने का मुख्यमंत्री था तो निश्चित रूप से दुमका संताल परगना क्षेत्र का भी दौरा किया था और वहाँ सबका जितना भी उनको रिपोर्ट मिला और उन सब से भी उनको पता चला है कि निश्चित रूप से ये गलत हो रहा है। और दुमका जो संताल परगना का जो है, संताल एक संताल समुदाय वहाँ एक पहले से हावी है पूरा, जो आज घुसपैठी आने से वहाँ का डेमोक्रेसी चेंज हो जाएगा और ये इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें हम एक एज जिला परिषद चेयरमैन है हम, और खुद हम ये चीज़ भी देख के हैं, महसूस भी किया है कि आपका साहिबगंज जैसे जिला परिषद चेयरमैन जो है, उनकी जो हस्बैंड है, मैंने बहुत सारा ऐसा है जो कि ये निश्चित रूप से ये हो रहा है और आने वाला समय में झारखंडियों की यहाँ का अस्तित्व यहाँ बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा या बाहरी आदमी ही कब्जा हो जाएगा। तो इसीलिए ये चुनाव या बीजेपी में जाने से ये स्टैंड उनका है, ये बात नहीं है। उनका दिल में दर्द था ये चीज़ को कि हम उसको कैसे बचाएंगे, इसीलिए इसे बीजेपी में जाने का फैसला किया है। आप लोग, आप भी चुनाव लड़ने का मामला है या? हमारा चुनाव लड़ने का इसमें कोई ये नहीं है। अब इसमें देखिए, गार्जियन हमारे साथ जा रहा है तो हम इसीलिए है, और चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने का तो मेरा ऐसा कोई ये नहीं है। जो भी पार्टी अगर मुझे दायित्व जिम्मेदार देती है तो हम उसमें निश्चित रूप से कदम बढ़ाएंगे और उसके लिए हम हमेशा तैयार रहें।